चौपाटी, ये बात अपनी खोपड़ी में नहीं आती। या तो ये पानी वाला सेठ कंजूस है या पागल। बंगला है, बाड़ी है, मोटर है, गाड़ी है, दौलत है, इज्जत है, फिर भी घर के मीठे पानी का बाथरूम छोड़कर इस जुहू चौपाटी के खारे पानी से क्यों नहाने आता है? अबे यो टकलू, अला सोच, कोई भी किसी के पास बिना मतलब या बिना गरज जाता है क्या? आए व्याख्यान कम करो, छोटा बयान करो और हमारी समझ का कल्याण करो। खोपड़ी पे से बाल क्या गायब हो गए तेरे, भेजे में से अकल भी चली गई। अरे तू जू चौपाटी को समझता क्या है? हाँ हाँ समझाओ समझाओ, समझते समझते समझ जाऊंगा। जय काशी जय विश्वनाथ। भाई तुझे अच्छी तरह समझाने के लिए या तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और या फिर तू फिर से पैदा हो जा। देख पानी पूरी वाले, दही बड़े वाले, ये चाट वाले, ये रगड़े वाले, ये चने भटूरे वाले, देख साधु सन्यासी, रोगी महारोगी, योगी अभिनेता नेता, सब यहाँ आते हैं। और यहाँ आकर ये पवित्र सागर है ना, अरे मेरी तरफ देख, पवित्र सागर में स्नान करते हैं, नहाते हैं और फायदा उठाते हैं। वो कैसे? अबे ओ मेरे चिकने, अबे ओ टकलू, देख
तू पानी वाले सेठ को जानता है? हाँ, जो अभी अभी यहाँ से गया। सेठ गिरधारी लाल पानी वाला, बहुत जमाना हो गया वो बंबई में धोती पहन कर आया, चौपाटी पे बैठा और लोटे से सबको पानी पिलाता था। अरे तो भाई उससे क्या हुआ? तू समझता क्यों नहीं है? देख, जो करता है सेवा वो पाता है मेवा। वो अभी तक अपने जमाने को नहीं भूला है, आज तक वो यहाँ सलाम करने के लिए आता है, प्रणाम करने के लिए आता है। तू कहाँ चला? अरे कहाँ जा रहा है? मेरी बात अभी खत्म कहाँ हुई है? सुन, तू फर्नांडिस को जानता है? कौन? अरे वही यहाँ जो पाँव बेचा करता था, आज बहुत बड़ी बेकरी का मालिक है, लेकिन हर रोज सलाम करने के लिए इस जगह पे जरूर आता है, जरूर आता है। और पाँव टाटा पाँव को, अरे वो आ गया। और चौपाटी धोती लोटा और चौपाटी, अरे ये है अपने प्यार के साथी, इनसे अपना रिश्ता नाता बाकी सारी दुनिया माटी। धोती लोटा और चौपाटी, आज ये है अपने प्यार के साथी, इनसे अपना रिश्ता नाता बाकी सारी दुनिया माटी। धोती लोटा और चौपाटी, चौपाटी पर करी कमाई, जग वालों की जेब न काटी। धोती लोटा और चौपाटी, धोती लोटा और चौपाटी। देश को ना बदनाम करेंगे हम तो हैं गांधी की लाठी। धोती लोटा और चौपाटी, ये जिए है अपने प्यार के साथी, इनसे अपना रिश्ता नाता बाकी सारी दुनिया माटी। धोती लोटा और चौपाटी।
हमको पाव नहीं देखे गए ना, इसके वास्ते डिंग डांग हुआ। कम ऑन गेट आउट। अरे ठहरो 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 सोडी साहब ठहरो, क्या आज तुम मोहन चोटी का रोटी भूल गए? अरे मोहन चोटी तुमको कैसे भूल सकता भाई, ले लो ना। थैंक यू सोडी साहब, वेरी मच थैंक यू। ये क्या, ये तो सिर्फ दो रोटी है। और क्या जस्ती का मानता तुमको, ब्लैक मार्केट करने जाएगा? अरे अपन ब्लैक मार्केट नहीं करेगा बाप, गरीब लोगों में बांटेगा, उनका दुआ मिलेगा। ओ चैरिटी खरास। यस अब्बा अब्बा दे दो रोटियां, आज डरिल फोड़ दे मारना। थैंक यू सोडी साहब, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। अरे नहीं बाबा। अबे पैदा होते के साथ ही भीख मांगने लग गया क्या? बड़ेपन में मिजा में जेल काटेगा? माँ बाप बच्चों को पैदा करके घर में साले सोते रहते हैं और बच्चों से भीख मंगाते हैं। आप तो भीख नहीं मांगेगा? हाँ पप्पा दे, पप्पा दे, इधर पप्पा ले, पप्पा ले। अरे कहाँ गई मारी चौधरी का जान, जरा सामने तो आ, मारी एक जुत्ती गुम हो गई है, कहीं तारे पास तो नहीं? हाय 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 हाय, थारी जुत्ती जाने मारी जुत्ती। आए तारे पास भी नहीं, मारे पास भी नहीं, तो क्या फिर बीच में डाका पड़ गए हो? नंबर बदल लो आनंद के, जुत्ती तो सामने पड़ी है, नजर नहीं आवे, तो आगे जाके मैं किस तरह नजर आऊंगी? तू तो मारी गैस की बत्ती है बत्ती, 12 किलोमीटर दूर से भी वो लाइट मारे है कि सूरदास को भी नजर आ जाए तू जल्दी। मगर मैं पूछूं, ये 16 साल के बन के आज कहाँ जुलूम ढाने जा रहे हो? हाय हाय, बस तारी यही बात मारे मन में घुसो मारे है घुसो, हजार बार कहा है कि बाहर जाते समय हमें टोका मत कर। टोका इसलिए है, आज क्रिकेट है, मैच है क्रिकेट का, जल्दी आना, 20 तारीख है। 20 तारीख मरी गयो। क्या हुआ? मारी आरती उतारो। आरती उतारो, कहीं लड़ाई पे जा रही हूँ क्या? भगवान ये बम्बई शहर है, यहाँ आदमी पे आदमी सवार है, मोटर से बचो तो टैक्सी, टैक्सी से बचो तो बस, बस से बचो तो साइकिल, साइकिल से बचो तो ठेला, ठेले से बचो तो केले का छिलका, इन सब से बचो तो घर पहुँचो, नहीं तो अस्पताल में घंटी बज जाए। आज फिर 20 तारीख। ओहो 20 तारीख को तो तुम ऐसे समझ रहे हो जैसे कि मौत का दिन हो। भगवान मार लिए तो उससे भी बढ़कर है, 20 तारीख को हमारी धोती फटी, 20 तारीख को हमारी जेब कटी, 20 तारीख को इनकम टैक्स की धार पड़ी और 20 तारीख को हमारी शादी हुई। क्या कहा? मैं कुछ नहीं, चलो आरती उतारो। अजी मैं भी तो क्रिकेट का मैच देखने जा रही हूँ, कुछ मुझे हो गया तो? ये तो ठीक कहती है, तो फिर ऐसा करते हैं अंदर चल के दोनों एक दूसरे की आरती उतारते हैं, तुम हमारी आरती उतार और मैं तारी। अरे और ड्राइवर, तारे को कितनी बार बोला है कि हमारे वास्ते ये बड़ी गाड़ी मत निकाला कर, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, आज हम आरती उतार कर आए हैं, तू पीछे बैठ, गाड़ी हम खुद चलाएं। भगवान, मैं तो घर से दही चाट के और आरती उतार कर निकला था, ये क्या मुसीबत हो गई? मर गया साहब। अरे ओ काले जीव वाले, ऐसा मत बोल, ये मर गया तो मारा क्या होगा?
सचमुच इसकी तो सांस बंद हो गई है। देखो ड्राइवर, पुलिस के आने से पहले मैं तो भागूं, ये केस तू अपने सर ले ले, जो तू बोलेगा ना तेरे बाल बच्चों को 1-2 लाख दे दूंगा। आपका सपूत सेठ जी, आपकी 2 लाख की आवाज सुनकर मौत ने अपने मुंह से मुझे उगल दिया। आप बड़े लक्की आदमी हैं, लाइए इसमें फैसला कर लेते। अरे देखो भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन, इसको पॉकेट में रख ले, नहीं तो ये भी छीन लूंगा। प्लीज प्लीज सेठ जी, मेरी फसलियाँ 2 टूटी है और बंडल 1। 2 पसली टूटी है, हाँ पसली कहाँ है? चल चल भाग जा, तुम्हारी लगाने से ठीक नहीं होगी। 20 तारीख चल खुद चला, चल ये क्या? अरे अरे बेटा, चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, बाहर तो रोज टक्कर होती है, आज तुम्हारे लाडली से टक्कर हो गई। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरी बहन है, वरना दोनों कानों के बीच में नाक कर देता नाक। हे भगवान, कैसे भाई बहन है, जब देखो तब लड़ते ही रहते हैं। अरे पगले, कुछ तो घर का सोच। अरे माँ, घर के तो सोचो, तू अपना प्यार दूर से ही जाता, पहले ये बता ये सब लाया कहाँ से? अरे माँ, ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इससे अपना पुराना कर्जा निकलता था, समझी? आज हिसाब साफ कर दिया। ये ले मोटी रकम है, दोनों हाथों से गिनना। बाद पहले डॉक्यूमेंट हवाले करो। डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ डॉक्यूमेंट, मेरी जान चली जाएगी, डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, ये किसी की अमानत है। अमानत? हाँ अमानत। मिस्टर, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? अरे मैं दुनिया के गाड़ियों से टकरा कर रोटी रोजी कमाता हूँ, तुम मुझसे टकरा ले? आज का टकराओ तो तुम्हें करोड़पति बना देगा। ये लो डॉक्यूमेंट, इस पर पता लिखा है नहीं ले आना, उम्र भर रिहाइश करोगे। जल्दी करो, डाकू लगे हैं। डाकू? रिस्क नहीं, और ये लो और भागो, मैं कह रहा हूँ भागो। आप लोग तो बहुत शरीफ है, वो छोटा डाकू और मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले उड़ा, अब मर गया, अब भिखारी हो गया, अब मर गया। हम तो आपने अलग से निकले थे घोड़े पे, बीचू बीचू ये गला कैसे बन गया? अच्छा अच्छा, आदमी नहीं गया, आज मिलता तो फैला लेकर राशि की दुकान में खड़ा रहता। बीचू पचास नए पैसे दर्जन
विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तू कौन है? अनारकली? तू अनारकली है? तू अनारकली? अनारकली, 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 ये क्या? हमारा वजीर पिट रहा है और हम देख रहे हैं तमाशा। ना ये ताज होगा, ना ये तख्त होगा, या हम होंगे या हमारा वजीर होगा। मर जूंगा, मर जूंगा, मर जूंगा। क्या मर जाए, 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 फसली रे फसली, फसली रे फसली। अगर ये जब बड़ी है लाजोंदा को, ये जब बड़ी है लाजोंदा को। मैं 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 छोकरी नहीं, मैं छोकरा, मैं पोरगी नहीं, पोरगा हूँ। अगर तो तू पोरगा का मुंडा है, मुंडा हूँ। क्या हुआ तुमको? मुझसे ये लोग ये छीन रहे थे और ये मांग रहे थे बिस्किट। बिस्किट नहीं, मैं राजी से मत खाइए। इसे दिखा के मैं राजकुमार बनने वाला हूँ, मैं राजा बनूंगा। मैं आपके पास राजा हूँ, आप राजा, मैं राजा हूँ, ये मुझे राजा, मैं प्रजा हूँ। ये नहीं दूंगा, मुझे दे दीजिए महाराज, दे दीजिए। क्या हो गया थे? पुलिस? बाबरी महाराज, ये हमारी प्रजा है, ये हमारे वजीर हैं, ये आपके वजीर हैं। हाँ, ये हमारी सेना है, ये हमारे पास आए हैं हमें देने। मैं कमबख्त लोग, रथ नहीं लाए आज महाराज, गाड़ी तो लाए हैं। गाड़ी? हम गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे महाराज? मैं नारकली हूँ। नारकली है? मेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए महाराज। पारो? नहीं, मैं पारो। दादाज पारो, मुझे जाने दो। पारो जादू के भैया, छोड़ो मोरी भैया। पारो हो गई आज मेरा, अब घर जाने मुझे। भाइयों, यही है वो पागल जिसे हमें तरकीब से पकड़ना है। ये जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। अगर ये बोलेगा भागो तो हम भागेंगे। भागो, भाग गया पागल, भाग गया। महाराज की जय हो। प्रधानमंत्री, आ गए तुम? जी महाराज। कैसे हो प्रजा जनाब? सलाम करो साहब को। जीते रहो, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, तवील उम्र दे। लेकिन ये क्या, हमारे लिए रथ नहीं लाए? बैल बीमार हो गए, बैल लिए जीत आया। तो सुलोतरी को क्या हुआ था? सुलोतर खाने जाते हैं, बैल को दिखाते हैं। वो भी दिखा देंगे? हाँ ठीक है। और वो बैंड, बैंड, बैंड नहीं बजा महाराज। आजकल हमारे बैंड मास्टर जो है ना, फिल्मों में बैंड बजाने लगे हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर किधर है? महाराज वो तो बीमार हो गए। ठीक है, आज हम खुद बजाएंगे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आगे मत बोलो, शमशेर सिंह हमारे सर पे खून सवार है। मौका देकर कर लो मनमानी, लेकिन हम मनमानी नहीं करेंगे। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। हम चाहते हैं हमारे देश के लिए आप जान कुर्बान कर दें। जय हिंद, जय हिंद। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, लैला बसी मेरे मन में। की तरह चल रही है, चल रही है। हाँ खूब चलेगी, खूब चलेगी। उम्र वाले ने जहाँ तो 25 हफ्ते चलेगी। आज सालाना संभाल के फेरा भैया। भैया तो बड़ा अनर्थ हुआ, मरने के बाद मुझे स्वर्ग में जगह भी नहीं मिलेगी और शायद नर्क के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे भैया। बात बात में तो रोना तेरा स्वभाव हो गया सावित्री। पहले छीता रो ले, फिर बताना। क्या बताऊं भैया, मैं मार्केट से लौट रही थी, रास्ते में एक लड़का आकर अपनी गाड़ी से टकरा और मर गया भैया। हाँ वो देखो पड़ा है। तो तुम इसे यहाँ क्यों नहीं आई, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गई? ठीक है, मैं पुलिस को खबर करता हूँ।
मिट गया धर्म कर्म। क्यों रे ढोंगी पाखंडी, तू तो अभी अभी मारा था ना, फिर जिंदा कैसे हो गया? जी मैं तो रोज मरता हूँ और रोज जिंदा होता हूँ। अच्छा तो इस तरह दुनिया को बेवकूफ बनाकर तुम लोगों से पैसे ऐंठते हो। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। पुलिस को टेलीफोन मत कीजिए माई बाप, मंगता तो आप मुझसे पैसे ले लीजिए। ऊपर वाले आज की टक्कर जरा भारी पड़ गई, लेने के देने पड़ गए। हे राम, लोग पेट भरने के लिए कैसे कैसे नाटक करते हैं। मिट गया धर्म कर्म, जो तन लागे सो तन जाने। देखो तुम अच्छे खासे नौजवान हो, किस तरह पैसे कमाते हो। भगवान न करे किस दिन किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। सेठ जी, ऊपर वाले की परफॉर्मेंस कभी फेल नहीं हो सकती, वो मेरी मजबूरी को अच्छी तरह से जानता है। मेरे सर पर बाप का साया नहीं है, माँ है, बहन है, इन सब का खर्चा मेरे कंधों पर है। इस तरह पैसे कमाना ठीक नहीं। आओ मेरे साथ आओ। आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मोहन है। मोहन जी? अच्छा, ये देखा तुमने, धोती और लोटा। लोग तो ताले के अंदर हीरे जवाहरात नोटे बंद करके रखते हैं, और आप इसके अंदर धोती और लोटा रखते हैं। हाँ, जब मैं पहली बार बंबई आया था तो मेरे पास सिर्फ एक धोती और एक लोटा था। चौपाटी में लोगों को मैं पानी पिलाया करता था, और आज सारी दुनिया मुझे सेठ गिरधारी लाल पानी वाले के नाम से जानती है। जानते हो ये सब क्यों? ये मेरी मेहनत का फल है। तुम भी काम करोगे? इस बेकारी के जमाने में और क्या चाहिए सेठ जी। तो फिर कल से काम पर आ जाओ। सेठ जी आपके लिए दो शब्द कहूं? ऊपर वाला कभी फ्लॉप नहीं होता। सेठ जी ये मेरा बेटा रमेश है। बहुत सुंदर है सेठ जी, बिल्कुल आप ही की तरह। नमस्ते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सावित्री हा? रमेश कहाँ है? उलझा होगा अपने फार्मूले में। फार्मूला? हाँ। कैसा फार्मूला? अरे भैया वो एक ऐसी टिकिया बना रहा है जो 5 लीटर पानी में डालो ना तो उसका 5 लीटर पेट्रोल बन जाएगा। हाँ। आखिर ठहरा ना पानी वाले का बेटा, मैंने पानी से दौलत पैदा की, उसे पानी से पेट्रोल बना दिया। अब दुनिया में पेट्रोल की कमी नहीं रह जाएगी। 3 आना लीटर, 3 आना लीटर, 3 आना लीटर बेचो पेट्रोल। 3 आना, 3 आना, 3 आना, 3 आना। इस तरह उलझनों में बेचैनी पैदा करने से क्या फायदा? तुम नहीं समझोगे बुद्धू। तुम्हें क्या मालूम है ये उम्र कितनी नाजुक होती है? मालूम है क्या तुम्हें, नाव में बैठने वाले तूफान से नहीं डरते। मगर मगर अरे बाप रे बाप, तुमने तो ऐसे जानवर का नाम दे दिया जिसे पानी में रहने वाले तो क्या किनारे के लोग भी डरते हैं। खैर छोड़ो इन बातों, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो? तुम्हारे रूप और खूबसूरती को 4 चांद लगा दे, एक ऐसी चीज पसंद आई। बहुत, लेकिन प्यार को पैसों से नहीं तोला जाता रमेश। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सोचो कभी अगर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो। ऐसा नहीं हो सकता रजनी, गुलाब के फूल में खुशबू होती है, कांटे भी तो होते हैं। तो नहीं होता। चले चले। अरे अरे अरे, रुको रुको, क्या हुआ? हाय मेरे दिल की तरह ये टायर भी पंचर हो गया। तुम्हारे दिल का इलाज तो मेरे पास है, लेकिन इस टायर का इलाज तो तुम ही करो। अरे रजनी अब भी तो ये हालत है, खाना जानते हैं पकाना नहीं। तो फिर किसी को ढूंढो ना। कहाँ ढूंढूं, इस जंगल में कौन मिलेगा? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तुम जाओ ना प्लीज। ऊपर वाले नीचे वाले की पुकार सुन ले,
तूने मुझे कल से सेठ गिरधारी लाल पानी वाले की नौकरी तो दे दी भगवान, लेकिन आज से मेरा राशन क्यों बंद कर दिया? मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से किसी की गाड़ी से नहीं टकराऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ गॉड, प्रॉमिस करता हूँ। है मिस्टर? यस सर। टायर बदली करना आता है? अरे साहब मुझे सब कुछ बदली करना आता है, थैंक यू गॉड। गाड़ी किधर है? चलो उधर है। चलो 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 आप। क्यों साहब स्टेपनी तो ठीक है ना? हाँ यार सब कुछ ठीक है, तुम फटाफट टायर बदली करो। अभी बदली करता है साहब, बिंदास फटाफट। अजीब जोकर आदमी है। बाप रे, मेहनत की कमाई में बहुत पसीना निकलता है। बैठ जा मेरे पाप, बैठ गया। टायर कैसे पंचर नहीं होगा? अच्छा साहब एक बात पूछो। हाँ पूछो। इधर चश्मा उतारिए। आप से गिरधारी लाल पानी वाला के लड़के तो नहीं? हाँ मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम मोहन है। साहब ऊपर वाले का भी कमाल है। देखिए कल से मैं आपके बाप की फैक्ट्री में नौकरी करके राशन खाऊंगा, और आज तो आज मेरा राशन। थैंक यू साहब, थैंक यू, यू आर ग्रेट। साहब ये लड़की कौन है? तुम मेरे पिताजी को जानते हो? जानता साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके पिताजी को। उनको मत बताना। नहीं बताऊंगा साहब, नहीं बताऊंगा, मैं तो अपने आप को भी नहीं बताऊंगा। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू साहब। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं धक्का देता हूँ। सरकार छोड़ लो। लाया सरकार। उल्लू के पट्टे फिर कुछ तोड़ दिया? माय लव सी टॉट, दैट मींस गुड लक। लगता है आज तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है। बोलो क्या लाई हो? बोलो। डार्लिंग ये तो तुम्हारी मुस्कुराहट की भी कीमत नहीं। मेरी मुस्कुराहट की कीमत जब तुमने नहीं लगाई, मैं लगाई। यह कोई किसी की कीमत नहीं लगाता डार्लिंग, तुम्हें खुद अपनी कीमत लगानी होगी। जमाना खूबसूरत लड़कियों के आगे छुपता है, और तुम जमाने की जेबें खाली करके मेरे पास लाओ। जमाने की जेबें खाली करते करते कहीं मैं खुद ही ना खाली हो जाऊं। और रजनी चिड़िया के पानी पीने से कहीं समुद्र खाली होता है? और फिर तुम तो हुस्न का बहता हुआ एक दरिया हो, जिसे मेरा प्यार कभी खाली नहीं होने देगा। लेकिन रंजीत हम शादी कब करेंगे? कब अपना घर बसाएंगे? कभी तो मेरे दिल की भी आवाज सुनो। और रजनी डार्लिंग, तुम्हारे दिल की, मेरे दिल की, सारी दुनिया के दिल की एक ही आवाज है, रुपया रुपया रुपया। मगर मैं रुपयों के लिए तुम्हारे साथ नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार में यहाँ आई कि तुम मुझसे शादी करोगे। ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगा। मगर कब? डार्लिंग तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हम दोनों की शादी करने से पहले हमारे पास इतना रुपया होना बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाले बच्चों का जीवन सुखी बना सके। मगर प्यार से बड़ा तो रुपया नहीं होता, और मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ रंजीत। डालिंग वो तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए रुपए का होना बहुत जरूरी है। हे भगवान, न जाने हमारी जिंदगी का नतीजा कब निकलेगा। अरे बिटिया नतीजा बाद में निकालना, पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है इस महंगाई के जमाने में। चलिए ना खाना खा लीजिए। पहले ये तो बता, ये केले कच्चे हैं या पक्के? हलवे जैसे मुंह में रखो, अपने आप पिघल जाएंगे। वाह वाह वाह, ये केले हैं या कुल्फी है? हैया हरी छाल के केले हैं। हरी छाल के हों या पीली छाल के? बड़ी केले वाली रानी, इसके दिल में है बेईमानी, ये कोई नहीं है राजा, ये है बेछुड़ा बाजा। अबे ओ तान तंबूरे बरसाती कन खजूरे, तू यहाँ केले खरीदने आता है या केले वाली पर नजर मारने? बड़ी साईं,
केले वाली पे जिस दिन मेरी नजर जमाई दूसरे दिन ये बन जाएंगी मेरी लुगाई। तेरी हो नहीं जाएगी ठुकाई। ये भी खूब चलाई। अरे भाई क्यों करते हो ठुकाई? ये तुम कौन है टपकू चंद भाई? तुम्हारी बात मेरी समझ में आई। ओ साईं जरा इधर आई। हम हाँ साईं जरा इधर आई। देखो इधर बात नहीं कर रहा हम। आता है साईं। साईं तुम्हें केले वाली चाहिए या अकेले? अजीब आदमी है। धंधे की बात है, जब केले वाली अंदर में आ जाएगी तो केला तो ब्याज में आता है। नहीं बहुत समझदार आदमी हो साईं। मैं केले की सरकारी बोली लगाऊंगा। अच्छा और तुम सोच समझ के बोली बोलना। हाँ हाँ हम लगाएंगा। राजकुमार जी जरा इधर आइए, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, समस्या का हल करूँगा। इधर आइए। फरमाइए प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे याद फरमाया। तुमको केले वाली चाहिए या केले? हो सके तो दोनों। दोनों मिल जाएंगे। मैं केलों की सरकारी बोली लगाऊंगा, तुम्हारे मर्जी में जो आए वो तुम बोली बोलना। ओके ओके डोंट वरी। चलो चलो चलो। देखो भाइयों, केले वाली को छोड़कर केले की टोकरी की बोली सरकारी 1 रुपया, 1, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए 1, 20 रुपए 2, 20 रुपए 3, 20 रुपए दो, 20 रुपए दो देता है। अरे 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 लो 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 लो। ये 20 रुपया तुम्हारे केले का, 5 रुपया चूड़ी मुड़ी पहनना तुम क्या। तुमने 20 रुपए की बोली बोलकर साथ 400 पीसी की। अरे मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे भैया मैंने तुम्हारे साथ 400 पीसी कहाँ की, मैंने तो तुम्हारे साथ 300 पीसी की। तुम मुझे 100 रुपए का नोट और दो तो तब जाके 400 पीसी पूरी होगी। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। या थैंक यू। अब बोलो कहाँ चल रहा है। पुलिस स्टेशन चलो। ओहो तो पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, अपन रेलवे स्टेशन चले चलते हैं, वहाँ चल के पुलिस को बुला लेते हैं। बातें की है आजकल रेलवे की स्ट्राइक। वही चलते चलो चलो। भाई अब क्यों रुक गए, क्या बिल्ली रास्ता काट गई? बागड़ बिल्ला। बागड़ बिल्ला? हाँ, ये सेठ जी का चमचा आ रहा है। खुशामद माल। अच्छा ये रिश्वत लेकर नौकरी दिलवाता है और ये केले वाली पर लाइन भी मारता है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनार और 100 बीमार। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ केले वाली सिर्फ तुम पे लाइन मारेगी। श्योर? यस। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। ओके okay. सारा केला अंदर में चला गया, अब क्या होगा। कितने केले खा के बैठे। उठो नहीं सही। शराब अब सारा केला खा लिया, अब क्या करेगा। याद रखना बच्चों, एक दिन तुम बिगड़ोगे। और जब वो ढेर उम्र का आदमी गिरता है ना केले पर से तो बुरी तरह गिरता है। अच्छा तो उठो सही। उठो हिम्मत करो, झूले लाल का नाम लो, उठो। खराब हो गया सही। अभी कैसे उठेगा? नहीं उठेगा। नहीं खड़ा होता है अभी। अरे बाप रे बाप, देखिए 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 लड़की की बिस्की की बोतल। अरे बाप की कसम, देखते ही नशा आ गया भिड़ू। देख सोचते हो बना डाला ना एक पैक। ले पकड़ बच्चू, अब देख कैसा बनाता हूँ पैक। चला आ यार। मैम साहब आप बस का इंतजार कर रही है, कहिए तो मैं आपको अपनी वो अंबाला कार खड़ी ना उसमें छोड़ दूं। लगता है मेम साहब कुछ कम बोलती है। अब शटअप। अरे मेम साहब सुना है कि शटअप कहने वाली लड़कियां तो सबसे ज्यादा प्यार करती है। अरे अरे मेम साहब सुनिए। मेम साहब मेम साहब मेरे कलेजे के टुकड़े, लड़कियां तो होती है। अरे अरे ये क्या। अरे अरे मेम साहब की बच्ची, तुमने तो हमारा ऑटोग्राफ ले लिया, अब मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने दो मेम साहब। ऐसा मत करो। हो गया था। सुना भंगल है।
ये इनसे पूछिए। ये बदमाश को ये जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहते थे। थैंक यू मिस्टर अवलदार। आपका नाम? सकाराम। सकाराम बाइंडर, क्या यार मस्करी करूं नायला, वैसे तो शक्ल मिलती जुलती है। अच्छा इसको बंद कर दूं? पहले उसको बोलो मेरा टायर ठीक करें। चल चल चल। थैंक यू। बन रही हो? शी, शी, शी। तुम्हारी फुदक फुदक से मेरी पूजा भ्रष्ट हो जाती है। आप अपनी पूजा करो और हम अपनी पूजा करेंगे। तुम इसकी पूजा करोगी? बुआ, इनकी पूजा नहीं करूंगी तो अभिनेत्री कैसे बनूंगी? मिट गया धर्म कर्म। हमारे जमाने की बहु बेटियां देवी देवताओं की पूजा करती थी और अब ये धन्य हो फिल्मी देवताओं, अच्छा कल्याण करोगे अपने भक्तन का। राम 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 राम। भगवान आँख मिलाकर बात करो। भगवान अगर तू मेरे रिश्वत के धंधे में बरकत दे दे तो मैं 11.25 रुपए चढ़ाऊंगा। हलवे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सूजी यानी के रवा इज नॉट अवेलेबल। भगवान खुशामद मल्ले। आज्ञा भगवान। अरे भगवान नहीं मुरली मनोहर पमना नहीं बोलता है, ये भगवान को भी रिश्वत देता है? रिश्वत लेता हूँ तो देता भी हूँ। बड़ी वो हमारे 5,000 का क्या हुआ, वो चेक पास किया कि नहीं? अरे चेक तो पास हो गया लेकिन तुम फेल हो गए। मतबल मतबल। अरे वो तो हम हाथ में लेके घूमता है, ये लो पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, आज तुम ही पकड़े रखो। व्रत के दिन मैं रिश्वत के पैसों को हाथ नहीं लगाता। फिर कैसा होएगा? आज शाम को मैं अपना प्यादा भेजूंगा ना। अच्छा बोलो नहीं साईं। ये देखो ये दो रुके, एक तुम्हारे पास एक मेरा आदमी लेकर आएगा, ठीक है? ये इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। ममनानी तुम बेसिकली गधा है। अरे लिखाई तो कोई भी कॉपी कर लेगा, कोड वर्ड है कोट। खुशामद मल्ल, तुमको स्कूटर कौन लेकर दिया? तुम, तुम्हारे घर का खर्चा कौन चलाता है? ये भी पूछने की बात है। बेसिकली गधा तुम है क्या? हम है, हम ऑफिस में तुम्हारे आदमी का इंतजार करता है, जल्दी भेजो। ठीक है। बेसिकली गधा कौन? जी ये भी पूछने की बात है। ओयो हजूरी माल जी। जी तुमको नौकरी दिलाने वाला कौन? हुजूर आप। तुम्हारे घर की भाजी तरकारी चलाने वाला कौन? हजूर आप। तो फिर बेसिकली गधा तुम है। इसरा आधा वो पी गया, आधा तुम पी गए। गुरु हो जा शुरू। ये हुई ना बात। ये लो ये रुका लेकर जाओ और सीधा मुरली मनोहर को दिखाओ, और वो जो दे ना वो किसी को मत दिखाओ, सीधा मेरे पास लेकर आओ। बोलो चमचागिरी। चलो चलो। ओह माँ, माँ ये कौन है बेटी? वो मेरी सहेली रूपा है ना माँ, उसके भाई है मिस्टर रमेश। आओ बेटा। नमस्ते माता जी। जी फिर माँ, इन्होंने उसे मुझे गुंडों से बचाया था, आज देर हो जाने की वजह से मुझे छोड़ने आए हैं। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो। नहीं माता जी, मुझे जल्दी वापस जाना है। आज पहली बार आए हो, कुछ मुंह तो मीठा करके जाओ। नहीं माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मैं सीधा चला जाऊंगा, तू भोगते रहियो। यो 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 यो। ये कबूतर मेरे घर में कहां से आ गया? बाय 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 बाय। हेलो मिस्टर खटपटिया, तो आप मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए बेटा? फिर आप? अरे खैर कोई बात नहीं, इस बात की भी खबर पिताजी को ना। समझे? तुम मेरे पिताजी को जानते हो? अच्छी तरह जानते हो सब। मैं आपके पिताजी को उनको मत बताना। क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? माँ ये कौन था, क्यों आया था? ये तो इसकी सहेली रूपा का भाई है जिसने उस दिन इसकी इज्जत बचाई थी। माँ अक्सर बड़े लोग छोटों की इज्जत को बचाकर उनकी इज्जत को लूटते हैं। माँ
मैं उस आवारा बच्चन को अच्छी तरह से जानता हूँ। भैया तुम तो बगैर सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम लगा देते हो। मुझे भी बेटा वो लड़का बुरा नहीं लगा। बुराई का हाल चेहरे की सफेदी से नहीं बल्कि दिल की स्याही से लगाया जाता है। भैया शायद तुम्हें धोखा हो गया है, वो ऐसे हरगिज नहीं है। उसके प्यार ने तुम्हें यहाँ तक के पहुँचा दिया है कि तू अपने भाई को झूठा बनाती है। लेकिन भैया अरे ये क्या, तुम लोग तो मारपीट करने लग गए। तू बात भूली है माँ, मैं उसके चाल चलन को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी दौलत की चमक को दिखाकर रोज नहीं एक लड़की की जिंदगी से खेलता है। माँ देख माँ, खबरदार जब कभी उस घर में आया, समझी? माँ मैं अपनी जिंदगी का सौदा कर सकता हूँ माँ, लेकिन कभी कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता माँ, कभी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। तू कहाँ से पकड़ लाई? ओ भैया मैं इसे मंदिर से लाई हूँ। मंदिर में छोड़। बड़ा काम का आदमी है, सैकड़ों शादियाँ करा चुका है। अपनी रूपा की शादी क्यों करा देगा, बड़ा काम का आदमी है। मैं कहती हूँ ये काम का आदमी है, घर में कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल बेइज्जती करा रहे हो। ओ भैया तुम उसे बात तो कर लो। बात करो तो तुम शादी करवाओगे? जी आपके घर में कोई बैठते नहीं? अरे भाई क्यों नहीं, मैं बैठू? बैठो 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 बैठो। नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगा, आप जो खड़े हैं। अगर कन्या को शादी करवानी है तो कन्या को लाइए। मैं कन्या का बाप हूँ, सेठ गिरधारी लाल पानी वाला। हे पानी वाला सेठ नमस्ते, मैं वर घूजू घूजू ने वर घूजू शादी लाल गौने वाला पानी वाला गौने वाला। अच्छा है ना, बुलाइए बुलाइए ना, कन्या को बुलाइए ना, बुलाइए ना। भैया ये सुबह ही सुबह आधा चढ़ा गए या कल की पी हुई मैं का खुमार बाकी है? पानी वाला साहब हाँ। ये हम दोनों ही गलत हैं। अच्छा आजकल शादी में मिठाई नहीं खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, ये फैशन है। मैं रोज शादी करवाता हूँ, वो लोग दारू पिला देते हैं, 24 घंटे चढ़ी हुई रहती है। अबे उल्लू के पट्टे, तेरे पेट को आज ही खराब होना था। हेलो हाय 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 खुशामद मल पम नानी। कौन? मम्मी नानी। अरे पम नानी हाँ, वो तुम्हारा आदमी आया था, उसके हाथ में अरुका हम देखा, हम ले लिया और 500 रुपया दे दिया। अभी कल में हमारा 5,000 का चेक पास करवाओ, झूले लाल का कसम है। तेरा सत्यानाश। क्या हो गया? अरे मर गया क्या तुम? गुरु मत हो उदास, अभी लगाता हूँ डबल क्रॉस, हो ना हो ये उस गधे के बच्चे मोहन की शरारत है। आई, क्या उसने चाय के अंदर मुझे जवाल गोटा पिलाकर जुलाब लगा। चल 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 चल, बार बार जुलाब का नाम लेकर मेरा लंच मत खराब कर। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, रेल स्ट्राइक की वजह से आपका माल ठीक वक्त पर नहीं पहुंच सका। यकीन कीजिए माल ठीक वक्त पर पहुंच जाएगा। चश्मा उतारो, क्या बात है? बस सेठ जी मैं अब आपके पास नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? जो काम मैंने जिंदगी भर नहीं किया सेठ जी, वो मुझसे आपका नमक हराम ड्राइवर मोहन करवा रहा है। क्या? उसने मुरली मनोहर से 500 रुपए रिश्वत लिए और मुझे नकली बिल बनाने को कह रहा है। भला आप ही बताइए मैं ये कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मैं एक शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ। क्यों हुजूरी? हाँ सेठ जी। मोहन को बुलाओ। जी समझ गया। मोहन प्यारे तुम्हारे तो हो गए वारे न्यारे, सेठ जी तुम पर बहुत खुश है। देवता समान आदमी है, सेठ जी ने तुम्हें अंदर बुलाया है, शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए। बेटा मेरी तरक्की तो हो जाएगी लेकिन तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी, रिश्वत के पैसे लेते हो। चलो तो सही, चलो चलो। सेठ जी मोहन आ गया। मोहन जी मैं क्या सुन रहा हूँ? सेठ जी मैंने रिश्वत नहीं ली। देखिए सेठ जी मुझे बोलने नहीं दे रहे। सेठ जी मैंने मुरली मनोहर जी को और खुशामद चंद जी को रिश्वत लेने की और देने की बात सुन ली थी, इसलिए मैं ये 500 रुपए लेके आया ताकि आपको बता सकूं कि रिश्वत लेते हैं। मोहन जी
मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते। लेकिन सेठ जी, मैं ये 500 रुपए। वो 500 रुपए नहीं दे दो और तुम रुपए मुरली मनाओ का देना, समझे? जी मान, ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ किया, जाओ काम पर। बेसिकली आज सेठ जी का मूड खराब था। ओह यू शट अप, मैं तो अंधा ही हो गया। बेसिकली नॉनसेंसिकल। तुम कैसे करो? रजनी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरे पास रमेश और तुम्हारे रोमांटिक फोटोग्राफ्स हैं। तुम रमेश के बाप से कहो कि उसने तुम्हारी इज्जत लूटी है। रंजीत, और तुम्हें ये भी कहना होगा कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं। यस, इसकी मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने हाथों से रमेश की जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। भगवान, या तो इसे इंसान बना दे या मुझे मौत दे दे। मगर तुम्हारे मरने से भी रमेश की जिंदगी का क्या होगा? तुमने जो उसके साथ झूठे प्यार का नाटक खेला, उसका क्या? मैं उस नाटक को खत्म कर दूंगी। तुम्हारी आंखों में आंसू, ये झूठ सच क्या है? मैं समझा नहीं। तुम ये खत पढ़ लो, हकीकत तुम्हारी समझ में आ जाएगी। रमेश, ये खत पढ़ने के बाद मैं तुम्हारी नजरों में माफी के लायक भी न रहूंगी, क्योंकि मैं रंजीत नाम के एक आदमी से प्यार करती हूँ और उसी के कहने पर मैंने तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया। आज उस नाटक का अंत हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना अभागिन रजनी। गुरु, किस चिंता में पड़ गए? चिंता में नहीं, चिता में। उस ड्राइवर के बच्चे मोहन ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। ड्राइवर तो वो सेठ का है, लेकिन हमारी गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है। घबराओ मत गुरु, मैं भी गियर बदलना जानता हूँ। तुम्हारा क्या है, रिवर्स गियर लगा दोगे गाड़ी ही उलट जाएगी। तो गुरु, फिर तुम ही कोई गियर बदल दो ना। ऐसा प्लान बनाओ कि उस मच्छर को मसल के रख दो। फेरता हूँ मैं कोई DDT प्लान। मच्छर तू फंस गया, दूसरों को फंसाते फंसाते खुद फंस गए। इडियट कहीं। बट आजा मोहन प्यारे, खा ले धोने वाले। नहीं दोस्त, अपना भी इस फैक्ट्री से राशन पानी उठ चुका है। क्यों भाई, क्या बात? खुशामत मल ने चांदी के चमचे में सेठ को ऐसा चूर्ण पिलाया कि उन्होंने मुझे चोर समझ के नौकरी से निकाल दिया। ओ, आई सी, ये बात है। तू फिक्र न कर मोहन प्यारे, जैसे जहर जहर को मारता है, वैसे मैं चमचे को करछे से मारूंगा। वो कैसे? आज जगत में राम बाण है, जिसको खुशामद कहते हैं, जिन्होंने पाया ये गुरु मंत्र, सदा सुखी वो रहते हैं। सच जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों, जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों, छोड़ के हर भगवान की पूजा इस देवी के शरण पड़ो, छोड़ के हर भगवान की पूजा इस देवी के शरण पड़ो, चमचकरी का पाठ पढ़ो भाई, चमचकरी का पाठ पढ़ो, चमचकरी का पाठ पढ़ो भाई, चमचकरी का पाठ पढ़ो, अरे चमचकरी। जिसकी पतंग आकाश को छुए उसके कदम ना छोड़ तुम, जिसकी डोर कटे फिर उससे अपना नाता तोड़ो तुम। ये चमचों की रीत है भैया, किसी में अपनी जीत है भैया, जिसकी जैसी सूरत देखो उससे वैसी बात करो, की
हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, हर जी हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, अरे चमचागिरी कोई साहब का चमचा तो कोई बीवी की चमची है, चमचे का जो चमचा बना भाई किस्मत उसकी चमकी है, क्या यारी क्या रिश्ता नाता जिसकी कलम है उसी का खाता, वक्त पड़े तो चमचों के भी चमचे बनकर चिलम भरो, जी हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, हर जी हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, अरे चमचागिरी धोती एक लोटा लेकर आए जो चौपाटी पर, वो पहुँचे हैं कड़ी लगन से जिस शहरत की घाटी पर, तुम क्या हो तो बिना लगन के हैं, जी हुजूरी के इस पंते घाटी से ऊंची घाटी पर भी एक दिन जा पहुंचो, जी हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, अरे जी हुजूरी की दुनिया में चमचागिरी का पाठ पढ़ो, अरे चमचागिरी मुर्गी अंडा सब्जी चाहे हो लाखों पकवान, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, एक अगर चमचा ना हो तो रहे अधूरा दस्तरखान, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, चमचे बिना तो रह जाती है पकी पकाई हांडी भी, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, पड़े पड़े पानी हो जाए बिस्की और बरांडी भी, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, जितने ज्यादा जिसके चमचे उतनी ज्यादा उसकी शान, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, चमचे हो तो ना फायदे ना हो तो कितने नुकसान, इस दुनिया में छोटा बड़ा सब किसी न किसी का चमचा है, सच्चे भाई सच्चे। निर्धन है धनवान का चमचा, निर्बल है बलवान का चमचा, ज्ञानी है गुणवान का चमचा, पंडित है जजमान का चमचा, बनिया शाहूकार का चमचा, चोरा थानेदार का चमचा, बनिया शाहूकार का चमचा, आशिक है दिलदार का चमचा, चमचा चमचेदार का चमचा, चमचागिरी चमचागिरी चमचागिरी, बोल महाचमचों की तुम लोग ये हड़बोंग और शोर मचाकर ये कहना चाहते हो कि मैं जो इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा हूँ खुश आमदियों के इशारे पर, बताओ सेठ जी मोहन चोरी नहीं कर सकता। अरे मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, हमको ये साफ साफ बताओ कि पेट्रोल का चोरी तुमने किया था कि मोहन ने किया था? मेरे को मत मारो, अरे मारो मत, मारोगे तो नहीं ना? नहीं मारेगा, मैं सच सच बताता हूँ, मोहन को तुम्हें जानता तक नहीं, खुशामत मल ने मुझे 20 रुपए दिए थे। किसने? खुशामत मल ने। खुशामत मल? हाँ हाँ, 20 रुपए दिए थे, उसी रुपए के गर्मी में आके मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा, देखो कौन बेचारा क्या है, सब जो गड़बड़ किया है वो खुशामत मल की। रोजी के रोज
आंखें मिलाकर बात करो। तुम रिश्वत लेते भी हो, रिश्वत देते भी हो। तुम्हारी वजह से गरीब आदमी के पेट पर लात मारा मैंने। सेठ जी, बेसिकली मैं ईमानदार आदमी हूँ। ये तो महंगाई के कारण क्यों हुजूरी? हाँ सेठ जी, चल हुजूरी अंदर काम, चल। काम पर नहीं, गेट के बाहर। सेठ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। मोहन कहते हैं, मोहन तुम वापस काम पर जाओ। सेठ जी सच कहते हैं। व्हाट गुरु, ये काला चश्मा उतार दो, इसको पहनकर तुम काली करतूतें करते हो। हुजूरी, शायद तुम ठीक कहते हो। तुम भी उन कुत्तों के साथ भौंक रहे हो। हर कुत्ते के दिन आते हैं। तो मैं कुत्ता कब बनूंगा? आपको बनाने की जरूरत है। आओ आओ डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो क्या लाई हो? आज तक जो मैंने किया है उसका अफसोस और पछतावा। मुझे पछतावा नहीं, रुपया चाहिए रजनी। रुपया न मेरे पास कल था और न आज है। मैंने खुद छोली फैलाकर तुमसे प्यार की भीख मांगी है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो इतना भी मत सताओ कि मेरी आत्मा घबरा कर जीवन छोड़ दे। कमाल है रजनी, कहीं आज तूने भांग अंतर भी ली? पी गई थी, लेकिन नशा आज उतरा है। तुम भी होश में आ जाओ रंजीत, और उस गंदे जीवन से तौबा कर लो। आज तो तुम बहुत सती सावित्री बन रही हो। तुम चाहो तो मैं सती सावित्री कहना सकती हूँ। शट अप, मैं जो चाहूंगा तुम वही करोगी, समझे? रंजीत, तुमने आज तक औरत की मजबूरी देखी है, उसकी बगावत नहीं देखी। एंड गेट आउट। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। इसे यहां रख। उठो मालिकी, उठो। रजनी, तुमने आत्महत्या क्यों चाही? जानती हो ये पाप है? जानती हूँ, बहुत सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये पाप किया था। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है बालिकी। मेरा मन कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ है। हाँ देवी माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे पाला था, और उस एहसान के बदले उसने मुझे एक जालिम आदमी के हाथों बेच दिया। और वो आदमी, वो मुझसे वो काम करवाता था जो एक औरत को नहीं करना चाहिए था। मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों मुझे मरने नहीं दिया? मरना तो आसान है, मगर इस कपटी दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। जीना सीखो बालिके। बुरे काम करके कर्म बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा होता है। जीने के लिए सब कर्म करने पड़ते हैं। इंसान सब एक है, मगर रूप अलग अलग है। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटी। ये तस्वीरें झूठी भी हो सकती हैं। आप ठीक कहते हैं चाचा जी, ये तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये मासूम लड़की रमेश के बच्चे की मां बनने वाली है। तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती है चाचा जी। रमेश का मेरे घर में आना जाना था, बस दोनों में प्यार हो गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि रमेश ये गुल खिलाएगा। चाचा जी, मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस मासूम को इसका हक दिलवा दीजिए, प्लीज। मेरी
समझ में नहीं आता है कि रमेश ने ऐसा क्यों किया। चाचा जी, आप कहे तो उस मासूम लड़की को मैं आपके पास ले आता हूँ, फिर उस मासूम की दुख भरी दास्तां आप अपने कानों से सुन लीजिए। उसका फैसला रमेश के आने पर होगा, आप उस वक्त आइए जब रमेश आ जाए। बुढ़े, इसका फैसला तो रमेश के बिना भी होगा। हरिओम रंजीत, देखा, लगता है इस चिड़िया को फिल्मोनिया की बीमारी है, भाई नहीं तो बहन ही सही, क्यों है? अरे आओ आओ बरखुरदार, तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया, लग गई पेट्रोल में आज। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, ये कौन है? ये तो रजनी की फोटो है। तुम्हारी कौन है? पिताजी, जो आप समझ रहे हैं, मैं पूछता हूं तुम्हारा साथ इसका क्या ताल्लुक है? पिताजी, मैं इससे प्यार करता हूं और ये एक अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है? ये लड़की नहीं, तुम्हारे बच्चे की बनने वाली माँ है। पिताजी, बेटे, सारी जिंदगी मैंने चौपाटी पर ऐसे नाटक के खेल देखे हैं, क्या तुम ये चाहता है अपने घर को भी चौपाटी बना दे? पिताजी, बेटा, ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद अच्छा था, आज से तुम मेरे लिए मर चुका है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, मगर मेरी बात जाओ, मैं कहता जाओ। रमेश, बाप की बात का बुरा नहीं मानते बेटे। जाने दो। आइए आइए छोटे सरकार, आइए छोटे सरकार, ये आपका ताजमहल है और आज से आप यहाँ के शाहजहां। थैंक यू मोहन, तुमने जो मुझे ये हौसला दिया है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। छोटे सरकार, आपके इस भूलने भुलाने में मैं अपनी माँ को भूल गया, सच्ची माँ। ओ माँ, क्या है रे, ठीक से पूजा भी नहीं करने देता। अरे छोटे सरकार, ये मेरी माँ है। जीते रहो बेटा। मोहन, ये तुम्हारी माँ है? हाँ हाँ, लगता है इस मकान में मैं पहले भी आ चुका हूँ। अरे अरे छोटे सरकार, आप इस मकान में नहीं, पुराने मकान में आए थे, जो म्युनिसिपैलिटी के नजर हो चुका, रोड प्लानिंग में चला गया, ये तो आपके पिताजी की मेहरबानी है। मोहन, क्यों रे, तूने तो इसे यहाँ आने से मना किया था और आज तो खुद साथ ले आया। माँ, कभी कभी अच्छी बातें परखने में इंसान से गलती हो जाती है, ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छी बातें हमेशा तेरी समझ में देर से आती है। बस बस बस, नो भाषण, राशन का बंदोबस्त कर, भूख लगी है। हेलो, कौन? रूपा देवी। मैं रूपा बोल रही हूँ। आपको फिल्म हीरोइन बनने का शौक है? क्या कहा आप, अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन लेना चाहते हैं? मैं आपको फिल्म हीरोइन बना सकता हूँ। अपनी फोटो लेती हूँ? नहीं नहीं, स्टिल्स की जरूरत नहीं, मैं आपको पर्सनली मिलना चाहता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आदिशिला चू स्कीम 12th रोड, वहाँ फौरन चले आइए। मैं अभी आई, अभी। ओह थैंक यू। काट के बहुत जल्द फिल्म हीरोइन बनना चाहती है। चलो रंजीत मियां, जो कुछ कहना अपने बाप के सामने कहो, बोल, बोलती क्यों नहीं, बोल। क्या बात है सावित्री? अपनी लाडली बेटी से पूछो, पर निकल आए हैं इसके, फिल्म में हीरोइन बनने जा रही है। भैया कान खोल कर सुन लो, जिस दिन से रमेश घर छोड़कर गया मैंने कुछ खाया पिया नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना भैया मैं जहर खा लूंगी, कह देती हूँ पहले से। हाँ रूपा, मैंने जो कुछ भी सुना है क्या सच है? यस डैडी, जो आदमी मुझे चांस दे रहा है ना, वो कहता है अगर आप पनिश करोगे तो मुझे हीरोइन बनाएगा। रूपा, मैंने दुनिया देखी है, बहुत से फिल्म के प्रोड्यूसर जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, वो इसी तरह भोली भाई लड़कियों को फंसाते हैं, लड़कियों से कहते हैं हीरोइन बना देंगे, लड़के से कहते हैं हीरो बना देंगे, और यहाँ तक कहते हैं 50,000 लगा दो, 20,000 लगा दो, फिल्म बन जाएगी। बेटी, लाखों की फिल्म इतने में नहीं बनती, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नहीं डैडी, आपका ख्याल गलत है, वो मुझे हीरोइन बनाएगा और मैं हीरोइन बनूंगी, ये मेरा फैसला है।
रूपा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे लाड प्यार का इस तरह नाजायज फायदा उठाओगी। मैं तुम्हें फिल्म में काम करने की इजाजत नहीं दूंगा और एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठुमक चल चाल आंख में काजल की डोरी, ठुमक ठुमक चल चाल आंख में काजल की डोरी, गोरा बदन पतली कमर लचके पोरी पोरी, ओ बोरी तेरा, ओ बोरी तेरा रूप बड़ा मस्ताना। गूर गूर किन दे, गूर गूर किन देख मनियत जान गई तोरी, ये अभिमान जवानी दो दिन की तोरी, गोरा बदन पतली कमर लचके पोरी पोरी, ओ गोरी तेरा, ओ गोरी तेरा रूप सताना। चल चाल आंख में काजल की डोरी, गोरा बदन पतली कमर लचके पोरी पोरी, ओ गोरी तेरा, ओ गोरी तेरा रूप बड़ा मस्ताना।
वाह वाह मुन्ना मुन्नी, भाई गॉड तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। बस समझ लो कि अपनी पिक्चर हिट और मामला एकदम फिट। तुम सलामत रहो हजार बरस, सलामत रहो हजार बरस। अरे सलामत नहीं भाई, एक दफा फिर सुन लीजिए, मैं कह रहा था कि तुम सलामत रहो हजार बरस। वही तो हम बोला है कि तुम सलामत रहो हजार बरस। अरे हम बोलेगा तो पब्लिक क्लैप मारेगा। अरे क्लैप नहीं, कभी कभी पब्लिक स्लैप भी मारता है भाई। क्या बोला? हाँ। तुम हमको स्लैप मारने के बाद बोलता है? अरे हमको गुस्सा आ गया, फोटो लो। हमको बोला तुम? ऐसे बोला, हमारा मूड ऑफ हो गया, हम शूटिंग नहीं करेगा। फोटो लो। ए हीरो, हीरो अपना काम करेगा। ऐसे बोलता है? ऐसे बोलता है? ऐसे बोला? ऐसे बोलता है? गाना तो ये ठीक गा रहा था, लेकिन इसका तलफ्फुज़ और इसका स्टाइल तो नहायत ही घटिया किस्म का है। प्रेम कुमार शादी कर ली। प्रेम कुमार शादी कर ली। अरे मोहब्बत का सीन हमारे साथ में है और अपने प्रेमी को टेलीफोन करने को क्या है? हमारा मूड ऑफ होता है, जल्दी बोला तुम उसको। तुम जाओ, क्या हो रहा है? अरे अभी फोटो नहीं चाहिए। ये सर में दर्द कैसे हुआ दादा? अरे रात को पार्टी था ना रे, चार बजे तक दारू पिया साला, और फिर भी आज हम 9 बजे का शिफ्ट था, फिर भी जल्दी आया। कितने बजे आया? 1 बजे आया ना रे। बहुत जल्दी आया। फोटो ले, फोटो ले। अयो मुर्गा, बेटी के लिए अभी मुर्गा बनवाता हूँ। ये रे देख, मुर्गा नहीं, हमारा भगवान मुर्गा को बोलता है। आई एम वेरी सॉरी, मुर्गा कैंसल। मैडम बेबी के लिए फाइन कॉमेडी सीन लिखा है। चुप भाई, कहा डायरेक्टर? मालूम है मेरा बेटी रोता है और तुम कॉमेडी लिखता है, सीरियस सीन लिखा रहे। ऑल राइट पंडित जी, सीरियस सीन लिखिए। आइए आइए, कम ऑन कम ऑन, मैं केस को मांगो। पर मां पढ़ रहा, दूसरा लाती मां। बाबा साहब कलकत्ता से ट्रंकल आया। दादा कोलकाता से अपना ट्रंकल आया। ट्रंकल क्या डायरेक्टर साहब, हम पूछती है या इधर शूटिंग करने आता है या ट्रंकल उठाने आता है? मेरा लड़की धूप में काम कर करके पसीना खून एक बहाती है, तुम तरके देखते ये जुम्मा करा मां। पद्मा इस ससुराल टेलीफोन की लाइन काट दो, लेट इट गो टू द हेल। मुंशी जी हुजूर। जी हुजूर। हीरोइन को सैड सीन समझा दो, आई मीन टू से गमगीन वाला। अभी समझा देता। अरे क्या गाना बना है रे डायरेक्टर? अरे सिल्वर जुबली पिक्चर हो जाएगा क्या? तुम लोग म्यूजिक बनाता है? अरे गाना बनाओ, ऐसा गाना बनाओ, घूंघट पे टिक टिक, 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 घूंघट पे टिक टिक। देखता नहीं मेरी बेटी के दिल में टिक टिक होती है? क्या बात क्या क्या बोला है? ओ हो दादा इंसुलेट कर दिया। उर्मा इंसुलेट इंसुलेट हो गया। अरे फोटो ले। अब हम इधर नहीं बचे भाई, इधर भी इंसुलेट नहीं हो मेरा। इधर इंसुलेट हो गया है। चलो अरे हाँ इंसुलेट हो गया हमारा। अरे इंसुलेट यंदा हीरो पागल, हीरो का भाई पागल या डायरेक्टर पागल, मुंशी पागल। वांगा मां मद्रास जाएंगा, मैं तेरे को उधर नया प्रेम कुमार दिलाऊंगी। वांगा मां, वाह पापा, जी क्षमा करना, मैं 2 लाख रुपए लेकर घर से जा रही हूँ। घर की पाबंदियों में रहकर मैं हीरोइन नहीं बन सकती थी। आप मेरी चिंता और खोज मत कीजिएगा। जिस दिन मैं कामयाब हीरोइन बन जाऊंगी, खुद घर वापस आ जाऊंगी। आपकी बेटी रूपा। ये नतीजा होता है लड़कियों को आजादी देने का। काश मैं उसे पहले ही आजादी न देता। लड़कियों को आजादी देना कितना खतरनाक होता है और कितनी नाजुक होती है बाप की इज्जत। बॉस। यस। चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ से मार पार करना बहुत मुश्किल है। मालूम होता है किसी ने पुलिस को खबर
खबरी की खबर तो मैं ले लूंगा, माल किसी के भी जरिए भेज दो, आगे वसूल करना मेरा काम। खबरी, ए, तुमने यहाँ कोई स्मगलिंग का सामान उतरते देखा है? नहीं, माला कायम आयत नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। क्या? मैं अंधा है। आई एम सॉरी मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। पुलिस हेडक्वार्टर को टेलीफोन करो और हेलीकॉप्टर का राउंड करवा, जल्दी क्विक, चलो चलो। मैंने पुलिस को भेज दिया, तुम अपना माल संभालो। अभी एक ही हफ्ता हुआ है कि तुम रुपया लेकर आई हो, 3 महीने तो पिक्चर की स्टोर और 6 महीने पिक्चर की शूटिंग में लग जाते हैं, तब कहीं जाकर 9 महीने में डिलीवरी के लिए तैयार होती है पिक्चर, और फिर उसके बाद ग्राउंड म्यूजिक, सेंसर सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अरे टाइम तो लगता है ना। अरे टाइम, सुनो तुम टाइम वेस्ट मत करो, जाकर समुद्र में रिहर्सल करो, हीरो पानी में तुम्हें छेड़ रहा है। देंगे हीरो कहाँ है? तो क्या मैं तुम्हें भेजने लगता हूँ? चलो पानी। मोती लोटा चौपाटी माल डिक्की में रख दूँ? कैसा माल? प्योर डायमंड्स। अरे डायमंड्स ये तो करोड़ों के होंगे। रंजी, ये बेवकूफ लोग तो ये स्मगलर समझकर ये माल तेरे हवाले कर रहे हैं। आज लक्ष्मी तेरे पर मेहरबान है, एक लक्ष्मी पानी में है और दूसरी तेरे हाथ में। नाजुक मौके का फायदा उठाकर दूसरी पिक्चर शुरू कर दो। वेरी गुड, ये सब मछलियां डिक्की में रख दो, डिक्की की चाबी भी गाड़ी में है। क्विक क्विक, डार्लिंग माय लव, हाउ इज द ओशन? किससे बातें कर रहे थे? डार्लिंग, वो तुम्हारी पिक्चर के अनाउंसमेंट की खुशी में आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ। स्वीट, सच? इसलिए मैंने कुछ मछलियां खरीदी। मैं भी एक ड्रेस खरीद लूँ ताकि हिरन से लगूं। अल्लाह, हिरन तो तुम हो ही। आओ चलिए। सिर्फ जूते ये है और कुछ भी नहीं। हेलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पुलिस ने गाड़ी छोड़ दी, अब माल अपना है। अब माल अपना। इसे कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। रंजीत, क्या तकदीर पाई है साले तूने? कहते थे धोती लोटा चौपाटी। खूब उल्लू बनाया उन उल्लू के पट्टों को। फिर गाली दी तो गोली से उड़ा दूंगा। आपकी तारीफ? वही जिन्हें आप याद कर रहे थे, उल्लू के पट्टे। ये माल हमारा है, हमारे हवाले कर दो, समझे? अगर नहीं दूं तो गोली सीने से आर पार होगी। गोली है पिस्तौल में? Oh,
वो आदमी बेहोश हो गया है, कहो तो उसे ठिकाने लगा दूं। आदमी काम का मालूम पड़ता है, उसके नाम चिट्ठी छोड़ दो और माल लेकर चलो। चलो इनाम दे सकते हैं वो हाथ सजा भी दे सकते हैं। तुम्हारा असली मुजरिम ये नहीं हमारे पास है, वो देखो। तू मछली मार, ये तो आपका खास आदमी था। बन जाए इसलिए हमने उसे काट कर फेंक दिया। देखा तुम लोगों ने, हमारे साथ जो भी गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। बेटा उसे आई सेड आउट। कुछ भी कहो, आपका जवाब नहीं। अगर आप उस दिन जोगन ना बनती तो ये हटते कटे जेल की चार दीवारी में चक्की पीसते हुए नजर आते। जगू, हमारी नजर समुंदर के किनारे पर ही नहीं बल्कि उसकी गहराई पर भी होती है। आपकी हर बात करिश्मा, लेकिन मैडम जो नेपाल से चर्च और हफीम आने वाली थी उसके बारे में आपने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। तुम आगे ले नहीं जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक लड़की भेज रही हूँ जो तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ जाएगी। रजनी को ले आओ। यस मैम। रजनी, रजनी, जग्गू ये वही लड़की है। मैं वही हूं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इंसान एक ही है मगर उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं।
मैं समझी नहीं। सोचने की कोई जरूरत नहीं रजनी, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मैडम याद रखना जग्गू, ये हमारी अमानत है। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू, रंजीत बाबू, रंजीत बाबू, आप यहाँ हैं? मैं वहाँ आपको ढूंढ रही हूँ। रूपा, मैं अभी अभी तुम्हारे रेप सीन के बारे में सोच रहा था। रेप सीन? हाँ रूपा, मेरी फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत रेप सीन है। हम क्या दिखाते हैं कि हमारी हीरोइन अपने कमरे में सोई हुई है, तुम भी सो जाओ, और हमारी पिक्चर का विलन नशे में उसके कमरे में आता है। जी बाबू, आप तो देवता आदमी हैं। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ रूपा, मैं तो फिल्म की बात कर रहा हूँ। ओफो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोचने का मौका दो। शाबाश, सो जाओ। विलन धीरे धीरे हिरण की टांगों की तरफ बढ़ता है, वो उसे अपने आगोश में, सोचा, वो उसे अपनी बाजुओं में लेना चाहता है और करीब आता है।
तुम्हारे साथ दुश्मनी करने नहीं आया बल्कि दोस्ती करने आया हूं। मुझसे खून हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने खून किया तो तुम्हारा 7 किलो खून सूख गया, और जब जग्गू 10 खून करता है तो उसका 40 किलो खून बढ़ जाता है। आज से तुम हमारे दोस्त हो, वादा करते हो, और कल से तुम हमारे साथ रहोगे। थैंक यू। हेलो जी, हाँ, मैं सेठ गिरधारी लाल पानी वाला बोल रहा हूँ। मैं शांताकुश पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर वागले बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए क्या बात है। रूपा आपकी बेटी है? जी हाँ, हमने उन्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या रूपा ने खून कर दिया? मेरी बेटी ने खून कर दिया। क्या हुआ भैया, बोलो ना, क्या हुआ बोलो। सावित्री, रूपा की शादी हो गई। पहले ना बुझाओ भैया, साफ साफ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? सावित्री, रूपा ने किसी का खून कर दिया। उसने किसी का खून कर दिया। रूपा, ये तूने क्या किया, ये क्या किया? जानते हो तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत से अपनी इज्जत बनाई, नाम कमाया, और तुम्हारे शौक और नादानी ने उन सब पर पानी फेंक दिया। अब भी वक्त है, सच सच बताओ, ये खून तुमने क्यों किया? नहीं नहीं, खून मैंने नहीं किया, नहीं किया। लेकिन केस की तहकीकात और गवाहों के बयान से यही पता चलता है खून तुमने किया। खून मैंने किया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? देखो, हो सकता है तुम किसी काम या मतलब से उस फ्लैट पे पहुंचे, तुम्हारी जवानी और खूबसूरती पे उस बुड्ढे की नजर पड़ी होगी, अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसने तुम पे हाथ डाला। नहीं, मरने वाला बेगुनाह था, उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर उस वक्त वो ना पहुंचता तो शायद मैंने आत्महत्या कर ली होती। पुलिस के कब्जे में आने के बाद हर गुनहगार अपने आप को बेगुनाह कहता है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं बेगुनाह हूं? मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत करेगी? संजीव कुमार। संजीव कुमार, खून उसने किया? नहीं नहीं, आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। ओ शट अप, मेरा नाम संजीव नहीं, इंस्पेक्टर भागले है। Who the hell is संजीव कुमार? ये कौन है संजीव कुमार?
मेरी बीवी कभी कभी मुझे संजीव कहकर बुलाती है। हवलदार विनायक। यस सर। ले जाओ इस पगली को। संजीव कुमार। पी लो ना पिताजी, आप दवा नहीं पियेंगे तो अच्छे कैसे होंगे? अच्छा होके क्या करूंगा, तुम्हारी बहन को जेल में देखने के लिए। रूपा जेल में नहीं रहेगी पिताजी, मैं और रमेश भैया दोनों राम लक्ष्मण बनकर उस खूनी रंजीत का पता लगाकर छोड़ेंगे। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। चलो रमेश। प्लीज एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को भागते हुए देखा है? लड़की? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी कमाल करते हैं। हम तो कई दिनों से एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जो कि कातिल है। वही कमबख्त नहीं मिलता तो लड़की कहां से मिलेगी? लेकिन इनको लड़की क्या जरूरत पड़ी? शट अप। ओह आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। सॉलिड। चलो यार, तुम पागल हो गए क्या? हाँ यार मैं पागल हूँ। चलो चल के गाड़ी में बैठते, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। चलो चलो पुलिस से मजाक कर। मोहन, लगता है रंजीत का मिलना हमारे नसीब में नहीं। अरे ढूंढने से तो रंजीत का बाप भी मिल जाएगा। गाड़ी चलाओ और जब तक मैं ना कहूँ रोकना मत। चलाओ चलो। मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और तेज चलाओ। और तेज चलाओ। स्टॉप इट। तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे रंजीत चाहिए। मैं तुम्हें रंजीत तक जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। तब है यार मोहन, वो तो चली गई यार। अरे फिकर नॉट, मैंने नंबर लिख लिया है, ये देखो। इससे क्या होगा? तुम चलो मेरे साथ बता। चलो ड्राइवर, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैं ड्राइवर नहीं, रंजीत हूं, तुम्हारा प्रेमी। भूल गई क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ताकि मेरी गुजरी हुई जिंदगी का किसी को पता ना चले। रंजीत, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम साया की तरह मेरे पीछे पड़े हो? साया नहीं बल्कि तुम्हारी मौत। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है मेरी जान। गुजरने वाला ठोकर की परवाह नहीं करता। रंजीत, उसकी लाठी को आवाज मत दो जिसकी लाठी पे आवाज है। गद्दारी और बेईमानी करने वाले उससे नहीं, अपनी मुसीबत से डरते हैं। और मेरी मुसीबत तुम हो। रंजीत, हमारी दी हुई ताकत का नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर तुम हमारी हिफाजत में हो तो ये भी है,
हमारे खिलाफ बोलने वाले को हम कुचल देते हैं। मैडम रजनी, जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। अब तुम जाओ। मैडम ये गद्दार है। गद्दारों को सजा देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। वो अब चलती नहीं, ये दुश्मनों से मिली हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये हमारे गैंग को तबाह कर देना चाहती है। तो शिकायत हमसे करनी थी, हम फैसला करते। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा था कुछ लेकिन हो गया कुछ। गुस्से में मैं आपको भी भूल गया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे अच्छा हुआ हमारा निशाना छूट गया, नहीं तो मेरी जान चली जाती ना। हैं? मेरी जान तो हमेशा आपके लिए हाजिर है। ये जख्म तो ठीक हो गया लेकिन दिल के गद्दार, तो दिल भी है तुम्हारे पास? और दिल तुम्हारी तस्वीर भी। क्या बात है, तुम्हारा दिल है या फोटोग्राफर का कैमरा? बड़ी जल्दी खींच ली तुम्हारे दिल में मेरे फोटो। अजी हम तो उसके गुलाम है, नजर मिलते ही हो जाते हैं दीवाने। इम्पॉसिबल, बगैर शमा के जलने लगे परवाने। इश्क से नहीं आतिश वाले, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। बुझाए ना बुझे, जिसको मैंने पनाह दी उसके साथ कुल छरे उड़ा रही है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं उसके सपनों को चकनाचूर कर दूंगा। अकलमंद को इशारा काफी है। आप इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए, वरना 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 कुछ नहीं हो सकता, समझे? अब तुझे यहाँ कौन बचाएगा? वही जिसने सीता और द्रौपदी को बचाया था। अगर तू द्रौपदी या सीता होती तो यहाँ ना आती। तो जैसे रावण ही यहाँ लाते हैं। रावण बचाओ। बचाओ। नहीं जगो, देखो आज अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ बहन बेटी होती तो क्या तुम ये जलील हरकत करते? चला, किसकी माँ किसकी बहन? जग्गू किसी माँ बहन को नहीं जानता। की तुमने वही जो तुम कर रही थी। क्या बुराई देखी तुमने? मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, जा जा उससे जाके पूछ जिसके सीने से चिपककर तू प्यार भरे गीत गा रही थी। अच्छा उसकी बुराई कर रहे हो जिसकी ईमानदारी की तुम तारीफ कर रहे थे? मुझे क्या पता था अमृत जहर बन जाएगा,
आज सच्चाई ने जग्गू को धोखा दिया, दोस्त ने दोस्ती का गला घोट दिया। जग्गू, अगर तुम समझदार होते तो हम पे शक नहीं करते, तुम अभी नादान हो। अरे यार, आरटीओ का भी जवाब नहीं, हर गाड़ियों की जन्म कुंडली रखती है। अरे यार, अपनी जन्म कुंडली का क्या हुआ? मिल गई मिल गई मिल गई, तुम जल्दी से चलो वॉकी टॉकी होटल, चलो क्विक क्विक क्विक, हरिये हरिये, आओ चल 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 चल। अरे ये तो वही जीप है, शायद ये वही लोग हैं। तूने चल चल के सारे गड्ढे का पता लगा, चलो चलो चलो। लड़कियों में से एक है जो लालच दे के यहाँ लाई जाती है, उन्हें बेचा जाता है और पैसे कमाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग लड़कियों के लिए स्मगलिंग करते हैं। You are right, मोहन। देखो, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें जरूर आजाद करेंगे, लेकिन पहले तुम हमको आजाद करो, हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। बाहर का रास्ता मैं बताऊंगी, चलो। मगर भैया, तुम वादा करो कि बाहर जाके तुम हमें बचाओगे। कैसी बात करती हो बहन, तुमने तो हमारे एक फर्ज को और जगा दिया, हम तुम्हें जरूर आजाद करेंगे, हमें बाहर ले चलो। चलो चलो। सर्जो साहब, यही है बदमाशों का खुफिया अड्डा। शैदा हो गया है, एक
एक दुश्मन और पैदा हो गया है। अच्छा, हम भी आबरू की कमाल रखते हैं, होशियार रहो और रादे भी जवान रखते हैं। अच्छा, हाय हाय, अरे चल गई चल गई चल गई इश्क की गोली, चल गई चल गई चल गई इश्क की गोली, चल गई अरे इस पे चल गई उस पे चल किसके चल गई हुस्न वालों पे, चल गई हुस्न वालों पे, चल गई जिगर किसका है, दिल ये किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। पास माशूक भी है, पास बंदूक भी है, प्यार का राज भी है, दिल की संदूक भी है। हाय, जिस दिल पे लगा मेरी गोली का निशा, फिर तो वो झूम उठा, जख्म को झूम उठा मेरी गोली का नशा है। चल गई चल गई इश्क की गोली, चल गई चल गई चल गई इश्क की गोली, चल गई अरे इस पे चल गई उस पे चल गई, इस पे चल गई उस पे चल गई किस पे चल गई, हुस्न वालों पे चल गई, हुस्न वालों पे चल गई। को सह लेंगे वो जिगर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। चल गया चल गया चल गया, we'll be right back।
पहुंची है, बात तकरार की सरकार तक आ पहुंची है, बात ये इश्क की दिलदार तक आ पहुंची है, बात ये इश्क की दिलदार तक आ पहुंची है। तेरे इस सर की कसम, इश्क है मेरा धर्म, वो कोई और है जो उससे डर जाए सनम, मुझसे ऐसे ना उलझ तू जरा दिल में समझ, इश्क रहता है नेहा या हो बूढ़ा या जवान। अच्छा वाह, चल गई इश्क की गोली, चल गई इश्क की गोली, चल गई। अरे इस पे चल गई, उस पे चल गई, इस पे चल गई, उस पे चल गई, किस पे चल गई, ज्यादा न गुजर, देख ले तेरी लगन, ले मेरा हाथ पकड़। प्यार से प्यार निभाए तो मजा जाए, चाचा सारी तकरार ही मिट जाए तो मजा आ जाए। अरे चल गया चल गई इश्क की गोली, चल गई गिरफ्तार किया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई मच्छी वाला या झींगे वाला नहीं हूँ, मैं तो एक तड़ी पार कव्वाल हूँ, अजीज जहादा। तड़ी पार? अब जेल में जाके कड़ी खाना। अवलदार नायक, यस सर, गिरफ्तार कर लो। एक मिनट, मेरे को जरा खुजली हो रही है, पर साहब गिरफ्तार करने से पहले ये पढ़ लीजिए। साहब नहीं तो क्या तुम्हारा बाप? कितनी देर से तुम लोगों को आला दे रहा है, आने में इतना टाइम लगा दिया तुम लोग। सर अब क्या होगा, सारा पासा उल्टा पर रख गया। Don't worry my boy, police hands are very लंबा। लेकिन कातिल पकड़ा जाएगा ना सर? कातिल का बाप भी पकड़ा जाएगा, लेकिन तुम जल्दी करो, story must move। Thank you sir, you're welcome। कातिल मुबारक हो। मुबारक बॉस, पुलिस ने चारों तरफ से अड्डे को घेर लिया है, अब क्या होगा।
आप तहखाने के रास्ते से बोट में बैठकर निकल जाइए और मैडम को मैडम की जान मुझे बचानी पड़ेगी। नमक हराम जिस घर में सर छुपाया उसी में आग लगा दी। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू निकली पुलिस की खबर। बॉस इसकी खबर तो मैंने आपको बहुत पहले कर दी थी। वक्त बहुत कम है, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। किसी भी ईमानदार आदमी को चाबी देकर अपने माल का बंदोबस्त कीजिए। इस वक्त तुमसे ज्यादा ईमानदार आदमी और कौन हो सकता है। थैंक यू मैडम। एंड नाउ हैंड्स अप। जानती हो सैटरडे का दिन मरने वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। रजनी, रजनी तुमने क्या किया? ओह गॉड, आपका कर्ज अदा किया। आप बहुत लकी हैं मैडम, पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हमारी हिम्मत खत्म नहीं हुई बास्टर्ड। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते। ये काम औरतों को अच्छा नहीं लगता मैडम, मर्दों को अच्छा लगता है। गुड बाय मैडम, गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ आपको? मोहन भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। जी। देखो, मुझे माफ कर देना। मैं रमेश के कर्जों का पूरा बदला नहीं चुका सकी। मोहन, कहाँ है वो? वो खूनी रंजीत को ढूंढ रहा है। रंजीत? वो तो इस रास्ते गया है। कहाँ? पुराने किले की तरफ। पुराना किला? हाँ सुनो, इस बगले के बाहर जी एक पहाड़ी रास्ता मिलेगा। वो रास्ता पुराने किले की तरफ जाता है, तुम जल्दी जाओ। लेकिन आपका क्या होगा? नहीं जी, तुम चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। मेरे रास्ते से हट जा जंगली भैंसे। Come on.
कीचड़ में गिर जाए फिर भी हीरा हीरा ही रहता है। अपनी जान की बाजी लगाकर जो तुमने मेरे खानदान की इज्जत बचाई है, भगवान तू जैसी औलाद सबको दे। इसमें मैंने क्या किया है सेठ जी, ये तो ऊपर वाले का कमाल है, बस आपका और माँ के आशीर्वाद का चमत्कार है। बहन जी, मैं चाहता हूँ आप मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दें। वो क्या भैया? ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। मैं समझी नहीं। जरा सी बात है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को आप कबूल कर लें और ये बेटा मुझे दे दें। मिल गया धर्म करम। बच गया धर्म करम। तू चुप कर, तेरी वजह से ये सारा नाटक हुआ। चलो चौपाटी पे चलकर चाट खाते।